कैसे हैं आप मैं हूं जी आपका अपना राजीव एक और नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो हमने रिसेंटली ट्रिप किया था न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड का उस ट्रिप में हमारा कितना खर्चा आया अगर आप भी भविष्य में ऐसा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं न्यूजीलैंड का इसमें आपको पूरी की पूरी प्लानिंग में आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि जो गलतियां हमसे हुई उन गलतियों को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारे ट्रिप के पहले दिन से भी पहले से जब मैं अपने शहर हेस्टिंग्स मैं न्यूजीलैंड के हेस्टिंग शहर जो कि नॉर्थ आइलैंड में है वहां मैं रहता हूँ और वहाँ से गया ऑकलैंड ऑकलैंड क्यों गया क्योंकि वहाँ पे मुझे उठानी थी कैंपर वैन हेस्टिंग शहर इतना बड़ा नहीं है यहाँ पे बहुत ही कम कम कह लीजिए ना के बराबर कंपनियां हैं जो कि के आपको कैरावैन सिर्फ कैरावैन मिल जाएगी जो कि आपको टो करके लेके जानी होती है गाड़ी के पीछे कैंपर वैन या मोटर होम जो कि अपने आप चलते हैं वो नहीं मिलते उसकी कोई भी कंपनी नहीं है हमें चाहिए थी कैंपर वैन या मोटर होम हमारे ट्रिप के लिए तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा ऑकलैंड वहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है तो जो कि हमसे 400 किलोमीटर दूर है वहाँ की मैंने ली फ्लाइट एक घंटे की फ्लाइट थी वहाँ पे पहुंच के एक दिन पहले मैंने कैंपर वैन को वहां उनसे लिया डिपॉजिट दिया और डिपॉजिट देने के बाद उस कैंपर वैन को ड्राइव करके अपने घर तक हेस्टिंग तक लेकर आ गया कैंपर वैन को एक दिन पहले लाने का मकसद था एक तो मैं उस कैंपर वैन के यूज टू हो गया जब मैंने 400 किलोमीटर की ड्राइव की कि वो कैसे ड्राइव करनी है कैसे उसको हैंडल करना है क्योंकि वो नॉर्मल कार से थोड़ी सी बड़ी होती है लेकिन आप उसी कार के लाइसेंस पे न्यूजीलैंड में उस कैंपर वैन को ड्राइव कर सकते हैं और दूसरी बात ये जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत सा सामान कैरी करना होता है बच्चों के कपड़े और बहुत सा फूड इसीलिए हमने कैंप वैन हायर की उसमें फ्रिज कुकिंग फैसिलिटी सभी थी मैंने आपको दिखाया भी था तो उस कैंपर वैन में हमने सारा सामान टिका दिया ग्रोसरी बाय की और वो भी फ्रिज में टिका दी जो जो किचन हमारे इंडियन कुकिंग जो होती है कीवी कल्चर से थोड़ी डिफरेंट रहती है न्यूजीलैंड में आपको कीवी कल्चर के अकॉर्डिंग ही बनी हुई कैंपर वैन मिलती है और वो बर्तन सप्लाई करते हैं लेकिन वो कीवी होते हैं तो जैसे हमारा प्रेशर कुकर वगैरह है वो हमें अपने घर से रखना था तो हमने कैंपर वैन में रख लिया ताकि अगर कुकिंग करने की जरूरत पड़े तो हम उस कैंपर वैन में कर सके इसीलिए एक दिन पहले हमने हायर की थी अब हमारा शुरू होने वाला है जी एक्चुअल ट्रिप हमें जाना था साउथ आइलैंड ये ट्रिप है साउथ आइलैंड के बारे में न्यूजीलैंड दो आइलैंड्स में है नॉर्थ आइलैंड हम रहते हैं नॉर्थ आइलैंड में और दूसरा है साउथ आइलैंड अगर गाड़ी चलाकर आपको साउथ आइलैंड पहुंचना है तो सबसे पहले आपको जाना होगा वेलिंगटन वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है और नॉर्थ आईलैंड के एंड पर बसा हुआ है जहां से आपको फेरी मिलती है आप उस फेरी में अपनी गाड़ी रख के वेलिंगटन से साउथ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड ट्रेवल कर सकते हैं तो पहले दिन का हमारा सफर था हेस्टिंग से वेलिंगटन की ओर। आपने देखा हमें चार घंटे लग गए और उस दिन हमारा टायर भी पंचर हो गया जिसकी वजह से हमें देरी हो गई और होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं निकला था वेलिंगटन घुमाने के लिए आपको सैटरडे नाइट थी वो और आपको दिखाया था वेलिंगटन की रंगीनिया कितना खूबसूरत शहर था रात को भी पूरा जगमगा रहा था लाइव म्यूजिक चल रहा था लोग इधर उधर घूम रहे थे शॉपिंग कर रहे थे और मैंने भी वहां से इंडियन फूड जो अपने खाने के लिए लिया था और हमने उस रात इंडियन फूड का अपने होटल में डिनर किया था क्योंकि जैस और बच्चे काफी थक चुके थे तो ये तो गए नहीं थे मैं लेकिन घूमने गया था ताकि आपको भी घुमा सकूं तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी जो थी फेरी थी वेलिंगटन से पिक्टन की ओर तो हम पहुंच चुके थे वेरी के लिए गाड़ी हमने जो अपनी कैंपर वैन थी फेरी में लगा दी थी और ऊपर डेक पर चले गए थे वहां हमने थोड़ा फूड खाया था उसके बाद हमने फेरी में केबिन भी बुक किया हुआ था तो केबिन में जाके हमने रेस्ट की और बाहर निकल के मैंने फेरी आपको घुमाई थी और दिखाया था कि कितना सीनिक रूट है क्योंकि वेलिंगटन से पिक्टन का जो फेरी का रूट है दुनिया के सबसे सीनिक फेरी रूट्स में से आता है तो बहुत ही खूबसूरत वो फेरी उसके बाद हम पहुंच चुके गए थे पिक्टन, पिक्टन में हमने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि आते वक्त हमने आपको घुमाना था तो वहां पर रात रुकने के बाद हमारा जो नेक्स्ट डे था हम चल दिए थे नेल्सन की ओर तो नेल्सन जो है पिक्टन से ज्यादा दूर नहीं है सिर्फ दो घंटे का रास्ता है और कई बार तो इससे भी कम लगता है अगर आपको ट्रैफिक कम मिले लेकिन हम जो थे रुकते रुकाते जा रहे थे घूमने के मूड में थे और हॉलीडेज पे थे तो हम भी ये तकरीबन तीन घंटे में पिकटन से नेल्सन पहुंच गए थे नेल्सन पहुंचने के बाद आपने देखा होगा कि नेल्सन जो है काफ़ी सुंदर छोटा सा शहर है मैं हमने आपको शहर दिखाया था वहां से बेकरी से हमने फूड भी खरीदा था और काफ़ी मज़ा आया था नेल्सन के उस होटल में रहने का मैं आपको बता दूं ये जो मैं बता रहा हूं हमारा चौदह दिन का ट्रिप प्लान है वो बता रहा हूं लेकिन जिस दिन मैं आ, जो कैंपर वैन उठाने गया था वो डे में इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा तो नेल्सन घूमने के बाद एक रात वहां बिताने के बाद हम निकल गए थे अगले दिन आपको पता होगा कि हमने सील कॉलोनी दिखाई थी ना वेस्ट कोस्ट पे तो वेस्ट कोस्ट पे जो हमने सील कॉलोनी दिखाई थी जहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिला था हम ऊपर पहाड़ी चढ़ के गए थे वहां पे सील कॉलोनी दिखाने के बाद हमने आपको दिखाए थे जी पेन केक रॉक्स जो कि बहुत ही अमेजिंग बहुत ही सुंदर थे ऊंची ऊंची लहरें जो पेनकेक से टकराती थी वो भी आपको दिखाया था तो हम पेनकेक के पास एक छोटी सी अकोमोडेशन थी हमें वहाँ रात होने की वजह से हम वहाँ रुक गए थे उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल लिए थे ग्रे माउथ ग्रे माउथ जो है न्यूजीलैंड का वेस्ट कोस्ट का साइड का एरिया था है। ग्रे माउथ बड़ी सिटी है और हॉकी टिका छोटी सिटी है इतना खूबसूरत दृश्य था इतना खूबसूरत दृश्य था जो वेस्ट कोस्ट का था इसे वाइल्ड वेस्ट कोस्ट भी कहा जाता है समुन्दर की लहरें आपको पूरी वाइल्ड मिलने वाली है यहाँ पे बड़े बड़े रॉक समुद्र में आपको मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत है जहां भी रुक जाओ आपको खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई देने वाली है वेस्ट कोस्ट में तो अगले हमने ग्रे माउथ में रात गुजारी थी घूमे नहीं थे हम ग्रे माउथ उस रात बस रात वहाँ पे आराम किया था नेक्स्ट डे हम हॉकी टिका गॉर्ज की ओर निकल गए थे हॉकी टिका जो ग्रे माउथ के पास ही छोटा सा शहर है तो हॉकी टिका गॉर्ज दिखाने के बाद हमने हॉकी टिका शहर आपको दिखाया था छोटा सा शहर है जिसे कूल लिटल टाउन भी कहा जाता है वहाँ पर हमने साबे खाए थे समंदर के किनारे बैठ कर, तो साबे खाने के बाद हम आ गए थे ग्रे माउथ सिटी में वापस तो क्योंकि ग्रे माउथ और जो का वेस्ट कोस्ट के दोनों शहर ही एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं है शायद मुझे एक घंटा ही लगा था एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए तो आप वहां पे आसानी से एक से शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर सकते हैं और यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत शहर हैं दोनों फिर मैं और शहर शाम को निकले थे ग्रे माउथ शहर घूमने के लिए ग्रे माउथ आपको अच्छे से दिखाया था वहाँ से हमने आपको रेलवे स्टेशन वहाँ का दिखाया था और शॉपिंग की थी हमने काउंटडाउन में ग्रे माउथ के शहर काउंटडाउन में शॉपिंग की थी ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए अपनी जो ग्रोसरी है उसे पूरा कर सकें और आसानी से खूब सारा ट्रेवल कर सकें वो रात भी हमने ग्रे माउथ में ही बिताई थी दो रात हमने ग्रे माउथ में ही बिताई थी हमें अच्छा होटल मिल गया था उसके बाद हम नेक्स्ट डे चल दिए थे माउंट कुक की ओर आज का सफर हमारा बड़ा लंबा था लेकिन कुदरती सुंदरता से भरपूर था जगह जगह स्नो से लदे हुए पहाड़ देखने को मिलते हैं और वीड लुकआउट का तो कहना ही क्या मैंने आपको वो ब्रिज भी दिखाया था वहां पे काफी सुंदर था लेकिन हमें माउंट कुक पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी क्योंकि सफर काफी लंबा था साढ़े पांच घंटे का तो अगर लगातार चलते हैं तो है लेकिन हम बच्चों के साथ जा रहे हैं रुकते रुकाते जा रहे हैं तो फिर आठ घंटे लगा के चलिए रास्ते में हमने जराल्डीन से आ, इंडियन फूड भी लिया था और नाइस जो शेफ थे उनसे भी आपको मिलवाया था और अगर आप इतना लंबा सफ़र नहीं करना चाहते आपके पास एक डे एक्स्ट्रा है तो आप माउंट सोमस में आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी या फिर जिराल्डिन जो रास्ते में आता है वहाँ पे भी आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी और तीसरी ऑप्शन है लेक टकापू तो लेक टकापू इतनी सुंदर है जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा फोटोज खींचे जाते हैं बहुत सी वेडिंग्स होती हैं वहाँ पे वो भी हमने आपको दिखाया था रास्ते में बहुत सी धुंद दिखाई दी थी ये सब माउंट कुक के रास्ते में ही आते हैं जब आप क्राइस्ट से आ रहे हों या फिर ग्रे माउंट से आ रहे हों तो माउंट कोक में हमें अकोमोडेशन नहीं मिली थी तो हमें अपनी रात कैंपर वैन में ही गुजारनी पड़ी थी लेकिन जो कैंप साइट थी वो पेड़ थी वहां पे हमको लाइट वगैरह मिल गई थी साफ सुथरे वॉशरूम टॉयलेट शावर वगैरह मिल गए थे वहां पे उनकी अपनी किचन भी थी जो हमने यूज नहीं की क्योंकि हमने जरालडीन से जो फूड लाए थे वहाँ डिनर करके ही हम वहाँ पे पहुंचे थे तो रात वहाँ बिताने के बाद हम निकल दिए थे अगले दिन आपको माउंट कुक जो विलेज है वो दिखाने के लिए माउंट कुक विलेज दिखाने के बाद हम आपको लेकर गए थे दुनिया के खूबसूरत ट्रैक हुकर वैली ट्रैक पे माउंट कुक जो है न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा माउंट है ये भी हमने बताया था और आपको हुकर वैली ट्रैक पे जो हैंगिंग ब्रिजेस थे वो भी आपको दिखाए थे बहुत ही खूबसूरत वो ट्रैक था इतना खूबसूरत था कि आपको लगता था कि किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो इतनी खूबसूरती इतनी खूबसूरती कन कन में खूबसूरती भरी हुई थी उस ट्रैक पे और जगह जगह पे आपको रोड पे स्नो दिखाई दे रही थी यहाँ पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा डे है तो आप माउंट कुक में या विलेज में या इसके पास आप रह सकते हैं कापू में भी रह सकते हैं सिर्फ एक घंटे का रास्ता है अगर माउंट कोक वहाँ से आना हो अगर आपको अकोमोडेशन मिल जाए तो आप एक डे वहाँ पे एक्स्ट्रा रह सकते हैं आप जो लेक टेस्मैन है और भी बहुत कुछ घूमने वाला है माउंट कोक के पास आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं रिलैक्स कर सकते हैं इस सुंदर व्यू में लेकिन हमें कैंपर वैन में हमें अकोमोडेशन नहीं मिली और हमें कैंपर वैन में उस रात जो बिताई थी इतनी अच्छी नहीं लगी बच्चे जो मूवमेंट नहीं कर पाए ठंड काफ़ी थी बच्चे बाहर खेलना मांग मांगते थे तो हमने क्या किया हमने क्राइस्ट चर्च में जिस होटल में दो रात बुक की हुई थी पहले ही वहाँ पे बात की और उन्होंने हमें एक एक्स्ट्रा नाइट यानि की थ्री नाइट हमें होटल जो था क्राइस्ट चर्च में ही मिल गया क्राइस्ट चर्च जो माउंट से था चार घंटे तकरीबन रास्ता था तो हम बढ़ दिए माउंट से क्राइस्ट चर्च की ओर क्राइस्ट चर्च पहुंचते पहुँचते हमको हो गई थी रात पहली रात तो हमने होटल में बिताई आराम किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल दिए क्राइस्ट चर्च सिटी घूमने के लिए आपको क्राइस्ट चर्च सिटी दिखाई वहां पे अर्थ कोक ने क्या इम्पैक्ट डाला वो दिखाया और हमने आपको वहां का बोटेनिकल गार्डन भी दिखाया क्योंकि क्राइस्ट चर्च को गार्डन सिटी भी कहा जाता है क्राइस्ट चर्च से दो तीन घंटे घूमने के बाद हम अब वापिस होटल में आ गए पूरा दिन की रेस्ट बॉडी को कर लिया रिलैक्स और नेक्स्ट डे हम निकल लिए छोटे से कोस्टल टाउन जो कि क्राइस्ट से सिर्फ डेढ़ घंटे की दूरी पे है अक्रोवा जिसे कहा जाता है अक्रोवा के देखने के लिए इतना खूबसूरत था इतना खूबसूरत था एरियल व्यू आ रहे थे रोड से लगून थे वो क्लाउडी डे था छोटा सा बाजार जो फ्रेंच आर्किटेक्ट था अकारवा का वो आपको दिखाया वहाँ पे आपको आइकॉनिक उनका जो लाइट हाउस था जो कि वर्किंग कंडीशन में था वो भी दिखाया उसके बाद फिर हम आ जाते हैं क्राइस्ट चर्च और क्राइस्ट चर्च में हमने फिर से वही होटल में अपनी रात बिताई रात बिताने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल जाते हैं जी कायकोरा की ओर काय भी जो है कोस्टल टाउन है बहुत ही सुंदर टाउन है काय जो आता है जब आप क्राइस्ट चर्च से पिक्टन की ओर जाते हैं तो मिडल में आता है आप ढाई घंटे में क्राइस्ट से कायकुरा पहुंच सकते हैं हम ज़्यादा ड्राइव नहीं करना चाहते थे तो इसीलिए हम कायकुरा में आपको कायकुरा शहर दिखाते हैं और वहाँ की जो सबसे फेमस सील कॉलोनी है जहाँ पे बहुत सी सील्स आपको देखने को मिलती हैं बिल्कुल आपके पास बड़ी बड़ी सील्स जो कि सस्ता रही होती हैं वो देखने को मिलती हैं तो वो हमने आपको सील कॉलोनी वहाँ पे दिखाई वो भी अमेजिंग हमारा जो एक एक्सपीरियंस रहा तो काइकुरा में एक रात बिताने के बाद हम निकल दिए पिक्टन की ओर रास्ते में आता है ब्लेनम शहर वहाँ पे बहुत सी वाइनरीज हैं विनियार्स आपको रास्ते में मिलेंगे लैंडस्केप चेंज हो जाती है काफ़ी सुंदर छोटा सा शहर है ब्लेनम वहाँ पे हमने बर्गर किंग में बर्गर खाए थे और फिर हम अपने रास्ते पिकटन की ओर हो लिए थे पिकटन पहुँचते पहुँचते हमको हो जाती है शाम वहाँ हमको बहुत ही सुंदर इस जो पूरा सफ़र है उसका सबसे शानदार होटल मिला नाइस व्यूज होते हैं होटल का नाम था याद क्लब होटल और हमारी विंडो से पूरा समंदर दिखाई देता है कश्तियाँ दिखाई देती हैं तो मैंने रात को कोशिश की थी आपको पिकटन दिखाने की लेकिन कोई है ही नहीं था बिल्कुल सूना शहर था शॉप्स बंद थी एक रेस्टोरेंट बस खुला था और एक फ़िश एंड चिप्स शॉप खुली थी तो वहां से मैंने कुछ खाने को लिया था और मैं वापिस होटल में आके रेस्ट करने लगा था नेक्स्ट मॉर्निंग हमने आपको अनसीन पिक्टन जो कि आज तक किसी ने नहीं दिखाया वो पिक्टन दिखाया तो आपको दूसरे शोर तक लेकर गए दिखाया कि पिक्टन कितना बड़ा है कितना सुंदर है और कितना कलरफुल है पिक्टन उसके बाद हमने ली फेरी पिक्टन से फेरी लेने के बाद हम आ गए वेलिंगटन और वेलिंगटन से हम आ गए अपने घर रास्ते में बहुत तेज हवा चल रही थी जब हम वेलिंगटन से घर आ रहे थे तो वैन जो थी काफी हाइट होने की वजह से ऐसे, ऐसे ऐसे लिफ्ट हो रही थी धीरे धीरे से चलाकर जहां हमें तीन साढ़े तीन घंटे का सफर था हमें लग गए थे साढ़े पांच घंटे क्योंकि तेज हवा रात का मौसम और बरसात ने हमें काफी रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी हमने धीरे धीरे सेफ्टी से पैंक चलाकर अपने घर पहुंच गए थे तो दोस्तों इस तरह हमने अपने चौदह दिन की जो स्कूल हॉलीडेज थी अपने बच्चों के साथ वो पूरी तरह एंजॉय की न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड घूमा आपको भी घुमाया पूरी सीरीज को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है आप भी देख लीजिए जाकर पूरी डिटेल में बनाए गए वीडियोस हैं ये समराइज वीडियो है और अब बारी आती है कि कितना महंगा पड़ा हमको ये सारा ट्रिप मैं पहले डिस्कलोज कर दूँ कि न्यूजीलैंड ना काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है हमने कोशिश की कि जितना बजट में रहा जा सके उतने बजट में रहें लेकिन एक गलती हो गई हमसे वो मैं एंड में डिस्क्लोज करता हूँ कि क्या गलती थी ये बताने के बाद आपको भी पता चल जाएगा उससे हम कुछ सेविंग कर सकते थे और इसमें आप कुछ मनी ऐड भी कर सकते हैं अगर आप कुछ पेड एक्टिविटीज करते हैं हमने एक या दो पेड एक्टिविटीज की होंगी बाकी सौ जितना भी देखा जितना भी दिखाया मोस्टली वो नेचुरल और फ्री कुदरत के ऑफर्स थे वो ही हमने इंजॉय किया सिर्फ और सिर्फ अकारवा का जो लाइट हाउस था ऊपर जाने के शायद पांच या दस डॉलर थे एक आदमी के वो हमने पे किए थे तो बारी करते हैं कि कितना खर्चा हुआ मेरा हजार डॉलर जो था क्योंकि विंटर चल रहा था तो विंटर में आपको कैंपर वैन जो है डील्स मिल जाती हैं तो डील पे मुझे कैंपर वैन जो वन थाउजेंड न्यूजीलैंड डॉलर की मिली एंड मैं आपको मैं पूरा जो कैलकुलेट करके इंडियन रुपीस में बता दूंगा अभी मैंने न्यूजीलैंड डॉलर में पे किए हैं तो न्यूजीलैंड डॉलर में बता देता तो, हूँ एक लगा कैंपर वैन का और उसके बाद वो डीजल पे थी अगर आप न्यूजीलैंड में डीजल गाड़ी चलाते हैं तो आपको जो जितने किलोमीटर आप चलते हैं ना गाड़ी वो किलोमीटर आपको पे करने होते हैं कंपनी को जैसे आपने हजार किलोमीटर चलाई तो हजार किलोमीटर के शायद कंपनी सत्तर डॉलर या एटी डॉलर अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्राइस हैं तो उससे आपको पे करने होते हैं हमने काफी थाउजेंड किलोमीटर चला दी थी तो टू हंड्रेड एंड सेवेंटी डॉलर जो थे मैंने फिगर्स राउंड कर दी हैं जो 270 डॉलर जो हमने किलोमीटर पे किए थे उस कैंपर वैन को चलाने के लिए कंपनी को उसके बाद एक हजार डॉलर का हमारा डीजल तकरीबन एक हजार डॉलर का लगा के चलिए 5-10 दस डॉलर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं सब लिख रहा था तो एक हजार डॉलर का हमारा डीजल डीजल पे थी डीजल हमने उस गाड़ी में डलवाया उसकी एवरेज छ सात कभी कभी आठ की दे देती थी बड़ी गाड़ी थी तो एवरेज आपको इतनी नहीं मिलती इसलिए काफी ज्यादा महंगी पड़ती अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो एवरेज आपको ज्यादा मिलती है उसके बाद हमने जो होटल बुक किए इन चौदह दिनों में एक दिन हम कैपरमैन में सोए तेरह दिन हमने होटल बुक किए तो उसका दो हजार डॉलर हमने होटलों का पे किया सबसे एक्सपेंसिव जो था होटल बुकिंग्स में जाता है ज़्यादातर पैसा आपका होटल बुकिंग में ही खर्च होता है क्योंकि न्यूजीलैंड में एक्सपेंसिव होटल्स हैं उसके बाद जो फेरी हमने आने जाने का इनक्लूडिंग हमारी जो कैंपर वैन थी और हमारे चारों का खर्चा जो आने जाने का था वो सात डॉलर फेरी का हमारा लगा था उसके बाद जो ग्रोसरी हमने फिल कर ली थी ग्रोसरी का फायदा ये हुआ कि हमें बहुत जगह पे जहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं था जहाँ हमने बाय नहीं करना था कई बार हमारे लंच कई बार हमने लंच स्किप कर दिया कई बार डिनर भी स्किप कर दिया क्योंकि हमारे पास ग्रॉसरी थी हमने अपनी कुकिंग कर ली वो काफी सस्ती पड़ी हमको टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर की हमने ग्रॉसरी जो थी वो फिल की थी जाने से पहले उसके बाद जो हमने बाहर से फूड खरीदा कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं किया कोई एक्सपेंसिव डाइनिंग नहीं की एवरेज फूड की बात कर रहा हूँ होटल में मंगवाया या जा जाकर लेकर आया तो 870 डॉलर जो हमारे फूड फूड के बने थे इन चौदह दिनों के चार जने थे दो बच्चे भी थे दो हम भी थे तो न्यूजीलैंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है फूड की अगर आप देखेंगे तो 870 डॉलर बने थे फूड के टोटल उसके अलावा एक्टिविटीज़ वो मैंने ऐड नहीं की वो एक्टिविटीज़ आप पे हैं अगर आप कुछ करेंगे तो वो आप ऐड कर सकते हैं अगर नहीं करेंगे जो हमने की वो मैंने इसमें ऐड नहीं की हमारा जो टोटल कॉस्ट आया वो आया सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी यानी कि इकसठ सौ सत्तर न्यूजीलैंड डॉलर्स आया अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे ये बन जाता है तीन लाख तीन लाख पचासी सौ तीन लाख आठ हजार पाँच सौ तो तकरीबन थ्री लाख के करीब हमारा चौदह दिन का जो खर्चा आया न्यूजीलैंड को घूमने के लिए इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो महंगा है लेकिन इसमें हम बचा सकते थे अगर हमारे पास जैसे अपनी गाड़ी है अगर वो गाड़ी लेकर जाते तो हमने जो थाउजेंड डॉलर कैंपर वैन का पे किया वो बच जाता हमने गलती ये कर ली कि के हमें कैंपर वैन हायर नहीं करनी चाहिए थी अगर क्योंकि हमने सोचा था कि के हम कैंपर वैन में रात गुजार लेंगे कई रातें हमारी कैंपर वैन में गुजर जाएंगी लेकिन हुआ इससे उल्टा बच्चों की वजह से अगर हम दोनों होते तो कैंपर वैन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्चे बड़े होते कोई प्रॉब्लम बच्चे छोटे होने की वजह से बच्चे खेलना मांगते हैं और ठंड की वजह से हम उन्हें बाहर नहीं छोड़ सकते थे इसीलिए हमें होटल बुक करने पड़े होटलों का हमें जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ा नहीं तो हमें अपनी गाड़ी लेकर जाते होटल में रहते तो वो थाउजेंड डॉलर कैंपर वैन का बच जाता और साथ ही साथ में वो किलोमीटर और जो डीजल हमारा जो ज्यादा लग गया है इससे हाफ प्राइस हमारी गाड़ी जो है उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता क्योंकि गाड़ी की एवरेज काफी ज्यादा रहती है और उसके किलोमीटर भी यहाँ पे पेट्रोल वाली गाड़ी के आपको बायर नहीं करने पड़ते तो उससे हमारा थोड़ा सा बचाव हो जाता अदरवाइज ये रहा हमारा खर्चा दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये सीरीज अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही हमारी नई नई वीडियो आती रहेंगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए हम आपको जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टिल देन टेक केयर